हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने 5 रुपये प्रति किलो की दर से 35 किलोग्राम गेहूँ दिया जाता है। हरियाणा के लाडवा ब्लॉक में गरीबों को खराब गेहूँ देने का मामला प्रकाश में आया है। जब जब भी आपको आपके डिपो से राशन मिलता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है? उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है, ना तो खाने लायक होता है, ना जैसे कि पशु भी नहीं खा सकते उस राशन को। कभी कभार खराब राशन देता है, 3-4 बार ऐसे खराब गेहूँ दी हो। हमें नहीं पता ये हमें क्यों अनाज खराब देते हैं। ये हमने एक दो बार इसी से कहा कि भी खराब अनाज हमें क्यों देते हैं, ये बोल देते हैं भी हमें पीछे से ही अनाज खराब आता है। मेरे पास 260 कस्टमर BPL एंड AY के हैं, हमें जैसी कनक आई वैसी बेच दी। अभी आपके पास जो अनाज खराब अनाज आया है, आपने इसके बारे में किनसे शिकायत की है? मैंने इसके बारे में मिस्टर हुकुमचंद जो हमारा इंचार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन का लाडवे सेंटर पे, उसको मौखिक शिकायत की थी। उसने मुझे कहा था भाई आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर हुकुमचंद जिन से मिलने के बाद उन्होंने इस मामले में कहा है कि जो भी खराब गेहूँ आई है उसके बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। क्या कभी इससे पहले भी आपके डिपो में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई खराब गेहूँ आई है? आई थी ये फरवरी 2011 में। तो फिर उसके आप मतलब कि आपने क्या एक्शन लिया? एक्शन क्या था जी, मेरे उनके खिलाफ एक्शन नहीं, वो एक्शन मेरे खिलाफ हुआ कि माल खराब है, लोगों से डीलिंग गलत है नहीं, जबकि गवर्नमेंट देने वाली है, बेचने वाले हम हैं। सरकारी अफसर द्वारा बार बार खराब गेहूँ देना सीधे तौर पर गरीब परिवारों के साथ खिलवाड़ है। अब हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी इकट्ठा होकर इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे होकर आंदोलन करें। मैं चाहता हूं कि जो जो सरकारी अधिकारी इस कार्य में लिप्त हैं उनको उनके किए की सज़ा मिले, ताकि आने वाला कल हमारा भ्रष्टाचार मुक्त कल हो सके। मैं अमित कुमार, इंडिया अनहर्ड के लिए।